एक बार रुको भाई, कैमरामैन चालू बने, दोबारा दोबारा। उंडू कश्मीर में जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर। अभी देखो हम बात करने जा रहे हैं। हाँ सालू दीदी, नमस्कार देवी और सजनों, आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इन लोगों ने फीस दिए इसलिए पढ़ रहे हैं, थे भी दोगा तो थे भी पढ़ लेगा। हाँ थोड़ा सा ये है, समय लगता है फिर पढ़ाई होगी, 6-7 महीना है तो पढ़ना आयु मरना ना आयु, मैं कौन पढ़ा सकूँ। दूसरी बात, रामदेव जी का जन्म किस जगह पर हुआ? किस तहसील में? किस जिले में? पापा का नाम? मम्मी का नाम? बड़े भाई का नाम? मौसेरे भाई का नाम? दो बहनों का नाम? सुगना भाई और धर्म बहन का नाम? दाली भाई किस जाति से? मेघवाल जाति के भक्तों को? पैदल यात्री? अर्धरात्रि का जागरण? ध्वजा? लोक देवताओं में सबसे लंबा लोक गीत किसका है? आपसे पूछा जाए गुरु का नाम क्या था? मौसेरे भाई का नाम? दोनों पढ़ने के लिए किसके पास गए? किस पहाड़ी पर? कहाँ पर है? आते समय कौन से स्थान पर एक राक्षस मिला था? सातल? किस राक्षस से मुलाकात हुई? उसको किसने मार दिया? रामदेव जी के मित्रों के नाम बताओ। लक्की? फिर हरजी? रत्ना? चलो ये आपने बता दिया। अब मुझे ये बताओ कि रामदेव जी जो हैं, उनके मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य है? किस पंथ की महिलाओं द्वारा? कामड़िया। और मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। रामदेव जी की शिष्या का नाम बताओ। क्या नाम है? अच्छा मुझे बताओ, रामदेव जी जो हैं उनके गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले। क्या कहते हैं? और उनके पगले पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? रामदेव जी की पत्नी का नाम कहाँ की थी? अमर सोडा राजा दल्ले से। सोडा राजा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामदेव जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? राम सापीर किसे कहते हैं? पीरों का पीर किसे कहते हैं? ऊने चारा धड़ी किसे कहते हैं? मैणा देरा लाल? नेतल रा भरतार? लीलारो सवार? मारवाड़ का धनी? किसको कहते हैं? इन्हें अर्जुन का वंशज माना गया है, कृष्ण का अवतार माना गया है। किसका अवतार है? किसका वंशज है? द्वारका नाथ भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी के मंदिर से की गई घोषणा क्या कहलाती है? हरडा। क्या कहलाती है? हरडा। रामदेव जी की गले में बांधी जाने वाली कांकी कुलड़ी क्या कहलाती है? पगले रखने का स्थान ताक है। और रामदेव जी की कसम को कहते हैं आन। क्या कहते हैं? आन कहते हैं रामदेव जी की कसम को। रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े। जब रम्मत शुरू होती है, क्या शुरू होती है? रम्मत शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? किसके भजन है? रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन है। रामदेव जी की फड़ जो है वो किसने तैयार की थी? चोतमल चितेरा। क्या नाम है? चोतमल चितेरे ने रामदेव जी की फड़ तैयार की। और ये जो फड़ है ये किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण है। रावण है मक्का से आए थे पंचपीर, और पंचपीपली नामक स्थान पर उन्हीं के बर्तनों में भोजन करवाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो पीर हाँ थे पीरा रा पीर हो, और उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। बोलो राम सा पीर की।